जो है सिंचाई होती है, और थोड़ा सा आप इसको अंदर से भी दिखा दीजिए किस तरीके से क्या है। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन इससे सिंचाई होती है, 3 KVA का ये पंप है, और ये जो है सरकारी योजना के तहत है। और आप किसान जो इच्छुक होंगे तो मैं अभी इस किसान से मैं बात करूंगा कि जिनके यहाँ लगा है। और दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको खेती किसानी से जुड़े एक मामले को दिखा रहा हूं। किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश सरकार से जो है उनकी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों को खुशहाल बनाने की, और ये बहुत ही बड़ी योजना है सोलर पंप की, और किसानों को जो है सब्सिडी पे ये मिल रहा है। किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सोलर पैनल किस तरीके से काम करता है। ये मेरे सामने है, ये मेरे बगल में है, ये सोलर पैनल का जो है ये प्लांट लगा हुआ है, ये इससे जो है सिंचाई होती है। और थोड़ा सा आप इसको अंदर से भी दिखा दीजिए किस तरीके से क्या है। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन इससे सिंचाई होती है, 3 KVA का ये पंप है, और ये जो है सरकारी योजना के तहत है। और आप किसान जो इच्छुक होंगे तो मैं अभी इस किसान से मैं बात करूंगा कि जिनके यहाँ लगा है और किस तरीके से काम करता है। ये जो है समरसेबल यहाँ जो है अंदर जो है बोरिंग किया गया है, और उसके बाद वहाँ से पाइप आया है, ये जो है धूप से चलेगा, और आपका न डीजल खर्चा होगा न बिजली खर्चा होगा, ये जो है मुफ्त। दिन भर धूप है, दिन भर आप जो सिंचाई करिए, इसका चालू हालत में है, मैं आपको चालू हालत में दिखाता हूँ। आ जाइए, मैं एक किसान के खेत में सिंचाई हो रही है, मैं उनसे भी मिलाऊंगा, आ जाइए इसको दिखाइए, दिखाइए किस तरीके से ये जो है कितना बढ़िया जो है ये पानी दिखाइए। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से ये जो है, किस तरीके से ये इतना बेहतर पानी बिना बिजली बिना डीजल का, देखिए जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी कितना बढ़िया बेहतर गिर रहा है। और पीछे इसके बाउंड्री के पीछे खेत है, और ये 2 बीघे का जो है प्लाट है, और धान की रोपाई चल रही है, तो धान की रोपाई के लिए ये पानी यहाँ से उस खेत में जा रहा है, तो है न बेहतर सुविधा। आप भी इस सुविधा का और उत्तर प्रदेश सरकार के जो है कृषि विभाग से जो है इसकी सुविधा ले सकते हैं। और आइए, मैं एक किसान है, अब इनके खेत में ही जा रहा है, और इनको भी देख लीजिए, ये जो है कब से पानी चल रहा है? ये 6 बजे से चल रहा है, सुबह 6 बजे से। हाँ, चालू हो जाता है, चालू हो जाता है। ये चलता कब तक है? ये चलेगा एकदम 5 बजे 6 बजे तक। हाँ, शाम तक। ये जो है पीछे जो खेत आप बता रहे थे, तो कितने बीघे का जो है ये जो पानी चल रहा है, कितने बीघे की जो है रोपाई हो चुकी है, और कितना होगा इसे? ये जो 1 बीघा डूबा चुका है। हाँ, और रोपनी भी हो चुकी है इसे? हाँ, रोपनी भी हो चुकी है। ये बताइए, आप खुश हैं, मजा आ रहा है इसमें? खुश हैं एकदम। डीजल मार्केट से नहीं लाना पड़ रहा है, पैसा नहीं आपका लग रहा है, फ्री में जो है सरकार की व्यवस्था है। और देखिए किसान के जो है चेहरे पे मुस्कान है, और ये बहुत ही बेहतर सुविधा है। तो किसानों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार की सुविधाएं लें, और अपने ब्लॉक और अपने जो है जिले से तहसील से संपर्क करें, और इस तरीके का जो है सोलर पंप आप अपने यहाँ लगवाएं, और डीजल और पैसों की जो है बचत करें, और आप खुशहाल रहें। आइए, मैं अभी इस के जो मालिक हैं, जिनके यहाँ पंप लगा है, ये सोनाडी में है, और सोनाडी में असलम राही जी हैं, तो इन के द्वारा मैं आपसे बात करता हूँ, और क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से क्या इसका जो है प्रोसीजर है, किस तरीके से ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, कहाँ जाना आना पड़ता है, और इस किस तरीके से आपको इसकी सुविधा मिल सकेगी। मैं किसान से जिनके यहाँ लगा है असलम राही जी से सोनाडी, मैं उनसे बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, और अभी मैं उनसे बात करूँ, तो आइए मैं उनसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको, ये जो है असलम राही जी हैं सोनाडी किसान हैं, और ये इनका खेत है बगल में, तो मैं सोलर पंप आपको दिखाया, और इनके बारे में किस तरीके से ये जो है सोलर पंप की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा आपको जो है किस तरीके से कितने सस्ते दामों में और खेती करने के लिए जो है सरकार व्यवस्था दे रही है, और आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, और कहीं परेशान नहीं होना है, तो ये जो है लिए हैं, तो मैं इनसे अभी बात करूँगा, और ये आपको जानकारी देंगे कि किस किस तरीके से क्या प्रक्रिया है। और जो किसान इच्छुक है, सोलर पंप लगाना चाहता है सरकार के द्वारा दिया हुआ, तो ये जो है कुछ पैसे देकर और जो है बिना बिजली और बिना डीजल खर्चा हुए अपनी खेती किसानी कर सकता है और खुशहाल हो सकता है,
और जो है इसके बारे में ये इनके द्वारा भी बताया जाएगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा किसानों को बताइए। धन्यवाद अनमोल जी, आपने किसानों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से। जागरूकता की कमी न होने से काफ़ी किसान परेशान होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरे सोलर पंप को देखा ही, और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में बिजली की बहुत बड़ी संकट है और डीजल बहुत महंगा है। किसान धान की खेती करना छोड़ दिए हैं, उसके पीछे इतनी लागत पड़ रही है, और उसमें सबसे मूल कारण है वो है पानी, पानी न होने से। तो हमने अभी सोलर पंप लिया है और ये सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि बहुत ही सहज और सरल है। इसमें किसान को कुछ नहीं करना है, जितने किलो वाट का या जितने एचपी का उसको सोलर चाहिए, मोटर चाहिए अपने आवश्यकता अनुसार, वो उसको सीधे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाएं। इसके लिए आप हर चट्टी चौराहे पे जनसेवा की मदद ले सकते हैं। उसकी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की, upagriculture.com। उस पे आप जाएंगे, पहले पेज पे ही दिखा रहा है कि किसान अगर ड्रोन, कृषि यंत्र या सोलर पंप लेना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई करें। जैसे ही उसको खोलेंगे तो उसमें टोकन जनरेट करने के लिए आएगा, फिर आगे कुछ प्रक्रियाएं होंगी जैसे आधार कार्ड और आपके ज़मीन का खतौनी लगेगा और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद से आपको जितने एचपी का लेना है उस हिसाब से उसका पैसा आपको बैंक में जमा करना होता है, चालान करना होता है। उसके बाद से सोलर पंप विभाग के जो भी कृषि विभाग के लोग हैं वो आएंगे, सर्वे करेंगे, आपका वो बोरिंग देखेंगे और फिर आपका ओके करके सोलर अपने आप लगा देंगे। कहीं एक पैसा न लेना है, न देना है, न कहीं आना है, न जाना है, न किसी की सिफारिश करनी है। उदाहरण के लिए मैंने 3 HP का लिया हुआ है जिसमें हमने टोकन जनरेट किया और 5,000 रुपये उस समय तत्काल में जमा करना था, ऑनलाइन मैंने भुगतान कराया। उसके बाद से 72,800 रुपये का मेरा चालान बना जो कि मैंने बैंक में जमा कर दिया, जो कि आज देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सोलर पंप से काम कर रहा हूँ। और ये देखिए कि मैंने उधर, हाँ, ये थोड़ा सा आप कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखा दीजिए, ये उसी सोलर पंप का पानी है। मैं बैठ के, थोड़ा सा आप बैठ जाइए और ये दिखाइए कितना, हाँ हाँ, अब ये 6 को है, अंधेरा होना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो दिन उनमें ज़्यादा लाइट है तो जो है पानी की स्पीड ज़्यादा रहती है, जो थोड़ा सा शाम होगा तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अब गर्मी का दिन है, लगभग ये पंप जो है 6 बजे तक, सुबह 5 बजे से जब उजाला होता है तो 5 बजे से और 6 बजे तक जो है चलता है, और बहुत बेहतरीन जो है। इसके 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 बगल में जो है रुपाई भी इनका 2 बीघे का प्लाट हो चुका है, इधर ये 1.5 बीघे से ज़्यादा का, और इसके बाद से जो है ये रोपनी धान की शुरू, कहीं ना कहीं किसान इस सुविधा को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सुविधा है और बहुत बेहतरीन सुविधा है, और कहीं ना कहीं मेरी उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस समय, केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं सोलर प्लांट को जो है बढ़ावा दे रही है, और डीजल और बिजली का कम खर्च हो सोलर पैनल से या बैटरी से या रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक, इस तरीके के जो तमाम सुविधाएं आ गई है, किसानों को गाड़ियां भी आ गई हैं सरकार के द्वारा, इस तरीके से जो है बसें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे मेरा वातावरण भी शुद्ध होगा और थोड़ा सा जो है हम सेफ भी रहेंगे और पैसा भी कम खर्च होगा और सुविधा भी ज़्यादा मिलेगी। तो हाँ, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इधर विगत करीब 5 सालों से 6 सालों से ये देखने को आया है कि किसान हमारे बरसात के दिनों में खेतों में काम करते हैं, बकरी चराते हैं, गाय चराते हैं, रोपनी करते हैं, वो मर रहे हैं। अभी विगत कुछ दिनों में हमारे बलिया जिले में भी काफ़ी लोग बिजली, तड़ित बिजली से यानी आकाशीय बिजली से लोग मर जा रहे हैं और बहुत दुर्घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार बहुत चिंतित है, और आप देख रहे हैं कि प्रायः हर घर में 1-2 मोबाइल हो गया है, शहरों में था, देहातों में आ गया है, तमाम बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं तमाम ऐप। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी है कि सारे किसान भाई अपने बच्चों के मोबाइल में या अपने मोबाइल में एक दामिनी ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें और बरसात के समय में उस ऐप को खोल करके देख सकते हैं,
और वो स्पष्ट बता रहा है कि कब बिजली कितने मिनट में आपके इलाके में गिरने वाली है, उससे आप और अपने क्षेत्र की जनता को आप आगाह कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से लोगों को बचा सकते हैं। तो आप दामिनी ऐप जरूर जी, तो ये जो है दामिनी ऐप समझिए, ये सरकार की व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है। और पहले की अपेक्षा देखी जाए तो जो है किसान काफी संख्या में बरसात में खेती बाड़ी अपना करने के लिए निकलते हैं, जैसे अपने जानवरों को बाहर लेकर निकलते हैं चराने उराने के लिए। तो ये जो है बिजली जो है बहुत आकाशीय बिजली जिसको बोला जाता है, तो बहुत इससे जो है घटनाएं हो रही हैं। तो ये दामिनी ऐप के बारे में इन्होंने बताया, बहुत ही कारीगर है और ये हर किसान के मोबाइल में हो और अधिक से अधिक अपने बच्चों को जो है, और आप जो है जब बारिश होने लगे गरजने तड़पने लगे तो बाहर जाने से बचे। और दामिनी ऐप जो है कुछ मिनट पहले 10 या 15 मिनट पहले जो 27 मिनट, हाँ जैसे सर ने बताया कि 27 मिनट पहले जो है वो आपको आगाह कर दे रही है, उसमें लोकेट कर दे रहा है कि इस एरिया में इतने मिनट बाद जो है आकाशीय बिजली गिरने वाली है। तो आप उससे सजग हो जाएंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा जो है खतरा टल जाएगा, कम हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसान भाई जो है ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को लोड करें और इससे जो है जान जोखिम में न किसी का हो, किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो, मेरे घर या हो आपके घर हो। और ज्यादा से ज्यादा जब बरसात हो तो आपको बाहर भी कम निकलना चाहिए, आप जो है सुरक्षित स्थान पे जाएं, किसी पेड़ के नीचे ना जाएं, इस तरीके के खुले आसमान में ना भागें, इससे जो है बचना चाहिए किसान को। तो दामिनी ऐप जो है बहुत कारीगर है और आपको पहले सूचित कर देता है। तो इन्होंने जो है किस तरीके से सोलर पंप की अप्लाई होती है, क्या होता है, इनके द्वारा सारी जानकारी दी गई। और आप भी अगर जो किसान सोलर पंप की इच्छा रखते हैं खेती करने के लिए बिना डीजल और बिना बिजली का, तो आप भी इस सिस्टम से, इनके बताए हुए सिस्टम से आप जाएं। आप नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो जनसेवा पर नज़दीकी पहुंच जाएं और उस जनसेवा वाले से कहें कि हमको सोलर पंप लेना है, तो आपको जानकारी देके आपका फार्म अप्लाई कर देगा और आप आसानी से जो है इस कृषि यंत्र को, और तमाम कृषि यंत्र हैं सोलर पंप के अलावा और भी हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप जो है बेहतर खेती जो है आपकी जो है सस्ती हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है, आप जो है और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो सरकार काफी व्यवस्थाएं दे रही है, ड्रोन तक आ चुका है किसानों के लिए दवा छिड़कने के लिए। तो जैसी जिसकी आवश्यकता हो, 2 HP का, 3 HP का, 7.5 HP का, 10 KV का, जितना चाहे वो अपना HP का ले करके अपने हिसाब से लाभ उठाएं सरकार की इस योजना का। धन्यवाद। बिल्कुल। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप भी इच्छुक हैं और इस तरीके की जो सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की सुविधा लेना चाहते हैं, तो आप किसी के बहकावे में ना आए, कहीं भटके ना, और डायरेक्टली आप जो है उस वेबसाइट पे जाके या जनसेवा केंद्र से भरवा के और जो है अपनी कृषि तमाम यंत्रों के लिए जो सुविधा ले सकते हैं। और ये मेरा वीडियो जो है आपको कैसा लगा और मेरी राय कैसी लगी और खेती किसानी के बारे में मैं आपको बताया और जानकारी दिया, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।